गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन। आज है 4th फरवरी, संडे मॉर्निंग है और टाइम हो रहा है लगभग 7:30 से 8 के बीच में। बाकी मौसम मेरे ख्याल से रात को बारिश हुई है, ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं है वैसे, तो जब भी बारिश वगैरह हुई है तो ज़मीन वगैरह गीली है और ये बंदे तो अभी सो रहे हैं तो इन्हें उठाना हमारा काम है। चलो भाई लोग्स, इट्स मॉर्निंग। ओ ये भी ठीक है दोस्तों। तो अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करने चलेंगे, उसके बाद बैडमिंटन खेलेंगे क्योंकि बैडमिंटन हम मतलब एक दो दिन से जा रहे थे तो कोर्ट नहीं मिल रहा था, कल तो गए नहीं इसलिए LRC में पढ़ रहे थे। तो आज बैडमिंटन खेलेंगे अपना, तो दिखाता हूँ फिर आपको ब्रेकफास्ट में चल के पहले क्या खाने वाले, तो बताता हूँ। बाय बाय गाइस। नीचे आ गए हैं वैसे, बैडमिंटन खेलने जा रहे थे उससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो बारिश बारिश हो रही है, अब देखते हैं कैसे होगा। फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट करने पहुँचते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक का हमारा जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी भाग के पहुँच जाए, जैसे भी होगा देखते हैं। बाकी ऐसा व्यू है कुछ कॉलेज का सुंदर सुंदर। चले भाई लोग्स, आ जाओ। थोड़ी सी बारिश पड़ रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट ले लो। ऐसा है ये ना, हम भीगे जा रहे हैं थोड़ा सा। चलो जल्दी आओ भाई लोग, भीग जाओगे। ये कीचड़ आ गई गाइस, मैंने मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, कहीं मैं यहीं पे फैल जाऊँ। वैसे फोन तो शायद वाटरप्रूफ होता है, इतना झेल लेगा पानी। चलो चलो। ओ हम आ गए फाइनली मेस तक, भीग रहे हैं वैसे तो, जल्दी पहुंचता हूं अंदर फिर बताता हूं आपको ब्रेकफास्ट में क्या है। ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। ब्रेकफास्ट का अपडेट कुछ ऐसा है, ये चने की सब्जी है, ये कौन सी है, क्या दलिया वही लग रहा है, ओट्स है ये, ओट्स पता नहीं, देख लेना मैं पता नहीं रहता। ये पूड़ी है, ये दूध है, इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है, ये थोड़े से केले लिए इन्होंने अपने खाने पीने के लिए, ऐसे ही है। बाकी आज मैंने सुना है स्नैक्स टाइम में पानी पूरी है, तो वो भी दिखा दूंगा अगर नसीब हो पाई तो। बाकी फिर अभी बैडमिंटन खेलने चलेंगे थोड़ी देर में। बाय बाय। कितने चाहिए गाइस? डन विद द ब्रेकफास्ट, हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट खेलने, ब्रेकफास्ट खेलने। हम तो जा रहे हैं खेलने के लिए, ये देखिए ये ऐसा, यो बास्केटबॉल ग्राउंड कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट। ये दो स्मार्ट लोग चल रहे हैं हमारे साथ, जाके खेल लेते हैं थोड़ी देर। वो यहाँ पे क्रेन्स लगी हुई हैं तो देख लेना आप लोग, मैनेज कर लेना। बाकी हम जाके भी खेलते हैं थोड़ी देर, फिर बताऊंगा आपको जैसे भी होगा। जब तक के लिए बाय बाय गाइस। बैडमिंटन कोर्ट आ गए हैं, आज पता नहीं कैसे भरा हुआ है, वैसे संडे मॉर्निंग को खाली रहता है, पर कोई नहीं, हम तो अपना खेलते हैं जैसे भी है, फिर आपको अपडेट देता हूँ। पहले थोड़ी देर स्ट्रेचिंग और नॉक कर लेते हैं, उसके बाद खेलेंगे। बाय बाय, आपको बाद में मिलता हूँ खेलने के बाद। गाइस खेल लिए हैं अभी, हम जा रहे हैं रूम में, आज कितने 1.5 घंटे खेलेंगे, 1.5 घंटे। तो अब हम जा रहे हैं रूम पे, कॉलेज तो पूरा खाली पड़ा है बिकॉज संडे मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया था, कमरे पे चलते हैं। मौसम बहुत साफ हो रहा है, साफ भी हो रहा है, ठंड भी ज़्यादा नहीं हो रही, ये खास सही हो रहा है। हाँ बाकी अभी तो कमरे में चलते हैं, हमारे साथ एक बंदा आया था वो एक्चुअली जिम करने चला गया, वो आएगा बाद में, हमने कहा खैर कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं रूम में नहाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जब तक के लिए बाय बाय गाइस। अभी वॉशरूम में आया था मैं, देखो मौसम तो हो रहा है बहुत ही बढ़िया, बारिश का मौसम हो रहा है, ये वो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे देख रहे होंगे, वो भीड़ हो रही है। मैं तो यहाँ पे अपनी बोतलें धोने आया हूँ, लो कर लो मतलब ये गाइस, आप अगर हॉस्टल आ रहे हो ना तो ये चीज़ ज़रूर ले आना, एक विम ले आना और एक ये, क्योंकि ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपनी हो जाती हैं धोने के लिए। बाकी तो अभी ये धो लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा जैसे ही होगा। जब तक के लिए बाय बाय गाइस। लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे, नहीं 1:45 हो रहे हैं, हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो ये सोया चाप मसाला है, ये चावल है, ये सांभर है, ये मिक्स्ड वेज की सब्जी है, ये रोटी है, मतलब अभी खाना खा लेते हैं, दही भी है और भी कई सारी चीजें, दाल भी थी मैंने ली नहीं, मैंने उसकी जगह सांभर लिया है, खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको अपडेट दूंगा। ये जो गर्ल्स हॉस्टल है ना D3, मतलब वहाँ पे, अबे रुक जाए, वहाँ पे सामने लॉन्ड्री पॉइंट है, अबे सुन ले, तो ये D3 के सामने यहाँ पे ना सैलून है, मतलब ये यूनिसेक्स है, किसी को भी बाल कटवाने हो, मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कटवा सकते हो बाल। इस बंदे को आज बाल कटवाने, इतना सुंदर चेहरा है आपको, कितनी बार बाल कटवाओगे?
बाल वेस्ट हो रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे सब कुछ सारी सुविधाएं ना, हाँ इन्होंने एक दो बार एक्सपीरियंस हो रखा है तो देखो ऐसा है, बाहर भी कटवा सकता है, कॉलेज से बाहर जाना पड़ेगा लेकिन आउट पास बनवाओ ये सब, इससे बढ़िया अंदर कटवा लो, उससे बेस्ट बाल, उससे बेस्ट तो फिर क्या ही है, बाल कटवा होता है वैसे, हैं नहीं बाल ही कटवाने हैं, जल्दी बातें मत करा करो, जॉब से पता नहीं है आपको, हैं डांस रूम दिखा, देखना ही नहीं है डांस रूम दिखा, बाकी ये यहाँ से बाहर आ जाता है कॉलेज में, एंट्री हो जाती है, अब देखते क्या करना है, वो आपको दिख रहा है पूल का एरिया, मैं सोच रहा हूँ एक बार घूम आते हैं उसमें, चलो आया था अभी खेलने, लेकिन ये ना पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे अपना गेम हो पाया उससे बेहतर तो हम निकल लेते हैं, ये चलो अभी अपने हॉस्टल की साइड जा रहे हैं, यहाँ पे पीछे कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है, ये बच्चे कर रहे हैं, क्लब्स के होंगे पक्का, क्लब्स के बच्चे हैं ना ये, हाँ तो वही है अपना सीन, बाकी हमारे कॉलेज में ना ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, ये आपको दिख रही होगी ना पीछे, इसमें आपको भी लगेज वगैरह लेके आओगे तो आपकी हेल्प कर देंगे, आपके हॉस्टल तक छुड़वा देंगे, वैसे मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों को छोड़ते नहीं, अगर कोई वैसे वेला घूम रहा हो भैया मुझे यहाँ तक छोड़ दो, एक्सेप्ट वो तो आपके लक के ऊपर है, अगर मान जाए तो, ये चार्जर है शायद उस बैटरी का, उस बैटरी का जो कार में लगती है, हाँ नहीं यही कह रहा था, चलते हैं फिर देखते हैं बताते हैं, भाई जब खाना खा के आ गए थे वापस, अभी तो लिफ्ट बुलाई है हमने, पहले ऊपर चलेंगे, और हमने आज ये खाने के लिए लिया है, ये क्या है, क्या होता है, कुछ होता है देख लेना आप, मैंने नहीं दिलवाया, यूट्यूब इनकम से लिए नहीं, कमरे में जाके बताया, इस टॉपिक पे बात ही मत करो, ऊपर जाके बात करेंगे, बाय गाइस, रूम में आ गए हम, ये बंदा करोगे कुछ अभी, पढ़ाई करोगे, फर्स्ट पढ़ाई, पूरे दिन पढ़ता रहता है बंदा यार, इसका 50 लाख की प्लेसमेंट नहीं लगी तो छोड़ो, ये बंदा तो पूरे दिन छोड़ो, ओ महंगी बातचीत, गाइस तो अभी मैं ना ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, मतलब वही शॉर्ट्स व्लॉग जो होते हैं, और मैं अपलोड कर दूंगा, फिर देखते हैं शाम को पढ़ाई करूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, वैसे 5 बजे आज पानी पूरी खाने जाना है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, बाय गाइस, 5:52 हो रहे हैं, 6 बजे तक स्नैक्स टाइम होता है, हम आ गए, हमें हमने कहा गोलगप्पे नहीं छोड़ सकते वरना बेकार है, फिर सही बात है कि नहीं, गोलगप्पे तो बहुत बेकार है, गोलगप्पे बेकार है, हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है, देखो बेकार होता है पर्सन टू पर्सन, पहले हम खाएंगे हम बताएंगे, चांद्रे मैं कह रहा हूँ गोलगप्पा नहीं खाता हूँ, आपको जो बताऊँ गाइस, नेक्स्ट अपडेट ये है, ये देखो गोलगप्पे ये एक्चुअली ना घर पे कचरी वाले होते हैं ना, हमारे यहाँ तो देखो कचरी बोलते हैं, आपके यहाँ देखो जो भी बोलते हो वो है, ये वैसे नहीं है जो दुकान पे मिलते हैं, ये इन्होंने आलू की ये पिट्टी सी पिट्टी पिट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, पराठे में डलती है वही है, ये हमने पानी ले लिया ग्लासों में, इनका भी कुछ कुछ ऐसे ही है, बाकी देखो भीड़ लग रही है, खत्म होने वाला है 5-10 मिनट में, 5 मिनट ही मान लो या खत्म हो ही गया होगा, आप बस गोलगप्पा खाओगे, अच्छा तो गाइस हम शेयर करके खा लेंगे, बाद में बताता हूँ, बाय गाइस, मैं तो रूम में वापस जा रहा हूँ, मुझे तो गोलगप्पे सही लगे थे, पता नहीं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मैं बाकी थोड़ा सा स्पाइसी थे वो, खैर कोई बात नहीं, बाकी अब जैसा मिल गया वैसा खा लेना चाहिए, ज्यादा क्या सोचना चाहिए, अब कमरे में चल के थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, खाना खाने चलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, जैसे ही पढ़ने बैठ गया हूँ, ये ना मैसेज जो सुबह खेले लिया आता है ना, काम आ जाते हैं दिन में बढ़िया, ये बंदा लिया आता है कभी कभार, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं, केला खा लेता हूँ और थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता हूँ, अभी हो रहे हैं लगभग 6:30, हम पढ़ेंगे 8 बजे तक, फिर खाना खाने जाएंगे, जब तक के लिए बाय बाय, इस लगभग रात के 8:10-15 हो रही होंगी, हम चल दिए ब्रेकफास्ट करने, कैसी गंदी बातें करता हूँ मैं, हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि आज एग करी बनी हुई है तो खा ही लेंगे बढ़िया अपना खाना, और बाकी बिल्डिंग का अपडेट ये है, हम तो चले मैस में खाना खाने, मैस पहुंच के आपको दिखाता हूँ खाने में क्या, मतलब बता तो दिए जब भी दिखा दिए, चलो फिर बाय बाय, भाई जस्ट डिनर का अपडेट ये है, ये आलू मटर प्याज की सब्जी है, ये चावल है, ये एग करी है, बेसन के लड्डू हैं, और ये 3 रोटी है, ऐसे ये खाना बना हुआ है, ये बंदा भी खा रहा है, सब खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपको बताता हूँ, जब तक यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और ये पता नहीं किसी क्लब ने नहीं, एक हमारा क्लब है, उन्होंने ये स्कीम लगा रखी, स्कीम नहीं है कुछ, ये मतलब ये कुछ मतलब उत्साह लोगों के बीच में लगाने के लिए कि खाना वेस्ट ना करें, इसलिए लगा रखे हैं, उत्साह ही तो होता है, जागरूकता वही है भाई साहब, इसलिए मैंने तो खाना कैंसिल कर दिया, नहीं आज मैं पूरा खाना खाऊंगा, मैं तो पूरा ही खाता हूँ, ये बंदा वेस्ट नहीं करता और करेगा भी नहीं आगे जाके, इसलिए बंदा तो खा ही नहीं रहा, इसलिए वेस्ट ही ना हो।
तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। गाइस खाना तो कंप्लीट हो गया, 9 बज रहे हैं, हम थोड़ी देर घूमने आ गए हैं क्योंकि आज मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, तो थोड़ी देर घूम लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा जैसे भी होगा। जब तक के लिए बाय। गाइस 10 बज गए हैं, अभी कमरे में आ गए थे, कमरे में आए हुए तो टाइम हो गया लगभग आधा घंटा। अभी मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि ब्लॉग को एडिट भी करना है, कल क्लासेस हैं सुबह 8:30 से। तो मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ अगले दिन, मतलब कल। जब तक के लिए गुड नाइट, जो रात को देख रहे हैं सुबह देखने वाले गुड मॉर्निंग, और शाम को देखने वाले के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय।